खंजर चले किसी पे तो तड़पते हैं हम गरीब, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। मेरी मुराद हमारे बीच में उपस्थित ग्राम परसा पलेडी के ग्राम प्रधान कि अगर कहीं ना कहीं एक अगर सच्चाई कही जाए तो सर्व शिक्षा सेवा समिति ने पिछले 6-7 सालों में जो भी कार्य किया है या जितने बड़े बड़े काम भी अंजाम दिए हैं, ये श्री अमरनाथ वर्मा जो ग्राम परसा पलेडी के प्रधान हैं, उनके बगैर मुमकिन नहीं हो सकता था। उनका सराहनीय योगदान रहा है, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और हम चाहते हैं कि सिर्फ गैसड़ी ब्लॉक का ही नहीं, सिर्फ परसा पलेडी का ही नहीं, जो बल्कि इस डिस्ट्रिक्ट और इस देश का हर प्रधान ऐसा हो जो बढ़ चढ़ कर ऐसे प्रोग्राम करवाता हो, ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाता हो जो शांति का संदेश हो, जहाँ शिक्षा की बात की जाए। तो आइए श्री अमरनाथ वर्मा प्रधान परसा पलेडी कुछ 3-4 मिनट में अपनी बात रखते हुए कुछ संदेश पहुँचाए आए हुए अतिथियों के लिए। आज के इस महाशांति सम्मेलन में आए हुए हमारे सभी धर्मगुरु एवं हमारे क्षेत्र से और बहुत दूर दूर से आए हुए हमारे सम्मानित सम्भ्रांत भाईगण, हमारे बीच बैठे हमारे मीडिया कर्मी भाई तथा सुरक्षा व्यवस्था हेतु हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी अधिकारी कर्मचारीगण एवं हमारे बीच हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का भी संख्या ज्यादा है, हमारी माताएं बहने साथियों, आज हम यहां महाशांति सम्मेलन के अंतर्गत हो रहे प्रोग्राम में आए हुए सभी लोगों को बधाई देता हूं कि इतने उमस भरी गर्मी में आप लोगों ने अपना समय दिया है, आप इस शांति व्यवस्था के ऊपर, शांति व्यवस्था के लिए, इस देश के लिए, इस समाज के लिए कुछ सुनने और सुनाने के लिए आए हैं। साथियों, हम तो आपके बीच में रहते हैं, बातें हमेशा होती हैं, लेकिन साथियों मैं एक शेर से थोड़ी सी बातों को आपको बताना चाहता हूं कि मेरे तकदीर के कातिब मेरी पहचान लिख देना, मेरे तकदीर के कातिब मेरी पहचान लिख देना, मेरे तन के हर हिस्से पे हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मस्जिद भी प्यारा है, कहीं पे राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। साथियों, शांति सम्मेलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसा कि अभी हमारे तमाम वक्ताओं ने बताया कि हम हिंदू और मुसलमानों भाइयों में कुछ समाज में ऐसे लोग हैं, चाहे उनको हुक्मरान कह लीजिए, चाहे उनको शैतान कह लीजिए, समाज के दोनों समुदायों में जहर घोलने का काम करते हैं। साथियों, इसीलिए जरूरत पड़ी इस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज करने की। मैं कहता हूं साथियों कि हिंदू और मुसलमान इस देश के दोनों आंखें हैं, फिर नफरत क्यों है? गांव गांव में धर्मों को लेकर नफरत, आतंकवाद को लेकर नफरत, नक्सलवाद को लेकर नफरत,
जब हम भाई भाई हैं, जैसा कि कहा गया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, फिर समाज को अलग करने और तोड़ने का क्या उचित है? इसीलिए जो सर्व शिक्षा सेवा समिति हमारे गांव में कार्य कर रही है, हमारे पढ़े लिखे जो नौजवान हैं हमारे गांव सभा के, कुछ अगल बगल इर्द गिर्द के भी हैं, इन्होंने जरूरत महसूस की कि प्रतिवर्त हम शांत सम्मेलन, महाशांत सम्मेलन करवा करके समाज में शांति की स्थापना के लिए बातें करेंगे और बातें सुनेंगे। तो साथियों, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आप लोग वो शक्ति हैं जो एकता में बंध करके इस देश के लिए अहम भूमिका ला सकते हैं। साथियों, हमारा पड़ोसी मुसलमान हो सकता है, हमारा पड़ोसी ईसाई हो सकता है, हमारा पड़ोसी सिख हो सकता है, हम इकट्ठा बैठते हैं, हम इकट्ठा बातें करते हैं, लेकिन समय आने पर धर्म की बातें करके हमें गुमराह क्यों किया जाता है और हम गुमराह क्यों हो रहे हैं? ये आज सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। त्योहारों में तमाम समस्याएं, तो मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूं कि हमारे तमाम धर्मगुरु यहां मौजूद हैं, इनके बातों को हम सुनेंगे और संकल्प लेंगे कि दुनिया के अफवाहों में ना पड़ करके हम भाईचारे बंधुत्वता का स्थापना करेंगे और अपने समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का काम करेंगे, इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो हमें जरूरी है उसकी बातें नहीं की जा रही हैं। जैसा कि लिखा भी गया है, भई हम लोग एक पिता के संतान हैं, एक ही ईश्वर ने हमको बनाया, एक ही ईश्वर ने आपको बनाया, फिर भिन्नता क्यों? जैसा कि लिखा भी गया है कि ना मस्जिद की बात हो, ना शिवालयों की बात हो, और जो बेरोजगार हैं पहले उनके निवालों की बात हो। किसी के पांव के छालों पे दवा लगा कर तो देखो, और किसी के बुझते हुए चूल्हे पे हवा लगा के तो देखो। अरे गरीब किसानों के मेहनत पे उंगलियां उठाने वालों, जरा खेतों में सीसीटीवी कैमरा लगा के तो देखो। इन गरीबों के हित की बात करने वाला कोई नहीं। साथियों, मैं सिर्फ ये आपसे अपील करूंगा, समय कम दिया गया है, हमारे भी सभी धर्मों के अच्छे अच्छे वक्ता आए हुए हैं जो अपना शांति का मैसेज आपको अभी देंगे। साथियों, जो भी मेरा समय दो चार सेकंड बचा है, मैं आपको अर्पण कर रहा हूं, और इसी के साथ एक शेर और कहूंगा कि याद रखना दोस्तों कि ये हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर टूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ करो कि रिश्ते यही रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। साथियों, मैं पुनः सबका आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय शांति सम्मेलन।